हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज का जो टॉपिक टॉपिक है हमारा वो है फिल सीरीज। अब फिल सीरीज में क्या होता है वो देखें आप। देखिए, यहाँ पे हम जो आज पढ़ेंगे, फिलिंग अ सीरीज विद फॉर्मेटिंग, फिलिंग अ सीरीज विदाउट फॉर्मेटिंग, फिलिंग अ वीक डेज एंड फिलिंग डेज या फील्ड डेज। देखिए, यहाँ पे ये मंडे है। अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा विथ कलर। ठीक है, यहाँ पे कलर से क्या मतलब है, आप देख रहे होंगे जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट को एज इट इज रख रहा है। अब क्योंकि मैंने विद फॉर्मेटिंग चाहिए था, वो मुझे विद फॉर्मेटिंग मिल गया। अब मैं चाहता हूँ विदाउट फॉर्मेटिंग, तो मुझे क्या करना होगा इस बार, मुझे सेम वही प्रोसीजर अपनाना है। ये डॉक्टर जो साइन दिख रहा है आपको प्लस वाला, इसको ऊपर जाके देखिए, ये छोटा हो चुका है, इसको बस ड्रैग कर दीजिए, फॉर्मेटिंग आ चुकी है। अब यहाँ पे जो प्लस का साइन दिख रहा है, ये ऑटो फिल वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए, तो इसमें शो कर रहा है विदाउट फॉर्मेटिंग। तो आप देख पा रहे हैं कि उसकी फॉर्मेटिंग हट गई। सिमिलरली, अब मैं शो करना चाहता हूँ कि फीलिंग अ डेज। अब देख लीजिए, यहाँ पे आए आप, फिर से उसको ड्रैग डाउन कीजिए, ठीक है। और आप चाहते हैं वीक डेज, तो वापस इस पे आइए और इसमें कह रहा है वीक डेज, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे वीक डेज, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको पता है कंपनी, स्कूल या कहीं पे कॉलेज में आप जाते हैं, वहाँ सैटरडे संडे कई बार ऑफ होता है, तो आप सिर्फ वीक डेज पे क्लिक कीजिए। देखिए, यहाँ पे सैटरडे और संडे गायब हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप क्या कीजिए, सीधे ड्रैग डाउन कीजिए, इस पे जाइए, और आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए तो ये लीजिए फॉर्मेटिंग। सो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग किस तरीके से फिल सीरीज को यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू बच्चों, एंड हैव अ ग्रेट डे।